टूटने वाला जार नहीं है, प्लास्टिक का यूज किया गया है। यह भी इस जाली में से निकलने वाला जूस इसकी अपेक्षा अधिक तरल रहेगा। एक घरेलू जूसर मिक्सर ग्राइंडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और क्या जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर हम खरीद कर ला रहे हैं वह हमारे इन्वर्टर पर चल पाएगा या नहीं। एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर खरीदते समय इस तरीके के प्रश्न मन में आना स्वाभाविक है। इन सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए आज मेरे पास इस समय के सबसे अधिक बिकने वाले और सबसे ज्यादा ड्यूरेबल और क्वालिटी में अच्छे एक हैवल्स कंपनी का 500 वाट का और एक फिलिप्स का 500 वाट का जूसर मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए लेकर आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। जैसा कि आप देख रहे हैं यह हैवल्स कंपनी का जूसर मिक्सर ग्राइंडर है और यह फिलिप्स कंपनी का जूसर मिक्सर ग्राइंडर है। हैवल्स कंपनी का यह रिगो मॉडल जीएमजी है जो हमारे पास है। यह 2 जार में है, यह 3 जार में भी आता है। कंपनी ने 2 ईयर इसकी होम सर्विस दी है और 5 साल की मोटर की वारंटी दी है। हाई स्पीड में है, 21,000 RPM इसके दिए हैं। वैसे हम एक्चुअली इसके चेक करके भी आपको दिखाएंगे। और यह 2022 मॉडल है और कंपनी ने MRP 5,295 रुपये दिया है। और इसके साथ जो कंपैरिजन हम आपको दिखाएंगे यह फिलिप्स कंपनी का जीएमजी है, इसमें भी 500 वाट का मोटर है, 2 ईयर कंपनी ने इसकी वारंटी दी है और कंपनी ने इसका MRP दिया है 4,295 रुपये। पहले इनकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि साथ में कंपनी ने क्या क्या दिया है। 304 ग्रेड का एक स्टेनलेस स्टील का जार दिया गया है और एक यह प्लास्टिक का जूस के लिए जार इसमें दिया गया है। बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी होती है, अनब्रेकेबल यह जार है, बहुत जल्दी आसानी से ये टूटने वाला जार नहीं है। और इस मॉडल के साथ में 2 जार दिए गए हैं, यह 3 जार में भी आती है। उस मॉडल को रिगो 3 के नाम से जाना जाता है और इसको रिगो 2 के नाम से जाना जाता है। और यह है हैवल्स का रिगो 2 मॉडल। इसके ऊपर कोई भी जार ऐसे रखते हैं और क्लॉक वाइज इसको टर्न कराते हैं तो यह इसके ऊपर सेट हो जाता है। और यदि इसको जूस निकालने के लिए आपको सेट करना है तब इस पीस को इसके ऊपर ऐसे रखते हैं और क्लॉक वाइज थोड़ा टर्न कराते हैं तो यह इसके ऊपर सेट हो जाएगा। और यह है जूस जाली और यह होता है वेस्टेज के लिए। और अब यह आपकी मिक्सी बनकर तैयार है। और अब फिलिप्स को भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एक 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील का जार मिक्सर ग्राइंडर के लिए और वही एक प्लास्टिक का जार जूस के लिए दिया गया है। इसमें भी अच्छी प्लास्टिक का यूज किया गया है, यह भी। और दोस्तों वेरी सैड, क्रैकिंग इसमें आ गया है। इसको हम इधर रख लेते हैं। और यह रही हमारी जीएमजी। और उसी प्रकार से यदि इसके ऊपर जार लगाना है तो रखकर क्लॉक वाइज टर्न कराएंगे, जार इस पर सेट हो जाएगा। और यदि इसको जूस के लिए हमें यूज करना है तो यह पीस रखकर और इसको इस प्रकार इस पर सेट कर दिया जाएगा। और यह जूस के लिए जाली यहाँ पर इस तरीके से यह पूरी मिक्सी असेंबल हो गई। और इस प्रकार इन मिक्सियों से गाजर, मौसमी, अनार, चुकंदर, ऐसी फल या सब्जियों का जूस निकाल सकते हैं जिनमें से वेस्टेज निकलना होता है। और जिन फल या सब्जियों में से वेस्टेज नहीं निकलना होता, जैसे पपीता है, केला है, आम है, उनका जूस बनाने के लिए यह इस तरीके के जार दिए गए होते हैं। इस मिक्सी के साथ में यह जार दिया गया है और इस मिक्सी के साथ में यह जार दिया गया है। इस जार की जो प्लास्टिक है यह थोड़ी हार्ड टाइप है। यह जार मुझे डब्बे के ऊपर मारकर नहीं दिखाना चाहिए था, परंतु व्यूअर के सामने सच्चाई पहुंची है, यह भी जरूरी है। जैसा कि हमने बताया कि यह दोनों ही घरेलू मिक्सी हैं, 500 वाट के मोटर के साथ उतारी गई हैं, जिनको एक बैटरी के इन्वर्टर से भी आसानी से चलाया जा सकता है। मिर्च मसाले पीसने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको हल्दी की पिसाई करनी है तो हल्दी की बहुत बड़ी गांठ न रखें, एक गांठ के 3-4 पीस करके ही इनसे पिसाई कर सकते हैं।
इनको रन कराकर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इनका लोड कितना है, इनके आरपीएम कितने हैं और नॉइस लेवल इनका क्या है। उससे पहले इन मिक्सियों के संबंध में एक जरूरी जानकारी भी मैं आपको दे देना चाहता हूँ। लोड का वर्क करते समय जैसे आप कोई भारी सामान इनसे ग्राइंड कर रहे हैं उस समय यह चलते चलते बंद हो जाती हैं और यूजर को लगता है कि मिक्सी खराब हो चुकी है, जबकि मिक्सी खराब नहीं होती। इनमें नीचे की तरफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर यह एक स्विच लगा हुआ होता है, यह ओवरलोड स्विच होता है। क्योंकि यह छोटी मिक्सी होती हैं तो कंपनियाँ इनकी सेफ्टी के लिए इनमें ओवरलोड प्रोटेक्शन का यह स्विच देती है, तो जब भी ये ओवरलोड हो जाएगी तो यह स्विच ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और मिक्सी चलना बंद हो जाता है। इसको एक बार पुश करें और ऐसे ही इस मिक्सी में भी दिया गया है। यह ओवरलोड का स्विच सभी मिक्सियों में आता है। दोनों मिक्सी हमने अपने लोड मीटर से कनेक्ट कर ली हैं। पहले फिलिप्स की इस GMG को ऑन कर लेते हैं। नॉइस लेवल 103 dB है और RPM मीटर में आप देख रहे हैं कि 16,900 के आसपास इसके RPM है। लोड मीटर में हम लोड देख रहे हैं कि 306-7 वाट का लोड इस समय चल रहा है। जैसा कि हमने देखा कि फिलिप्स की मिक्सी ने खाली में 306-7 वाट का लोड लिया है, 16,800 तकरीबन 17,000 मान सकते हैं इसके RPM हैं और नॉइस लेवल इसका 103 dB रहा है। और अब हम इस हैवल्स की रिगो 2 GMG को भी ऑन कर लेते हैं और RPM हम देख रहे हैं कि लगभग 16,300 इसके RPM है और नॉइस लेवल यदि देखें तो 90 dB का इसका नॉइस लेवल है। इस समय खाली में यदि वाट हम इसके देख रहे हैं तो लगभग 360-370 वाट का लोड यह दे रही है। और जैसा कि हमने इन दोनों मिक्सियों का तुलनात्मक अध्ययन किया तो हमने पाया कि खाली में फिलिप्स की मिक्सी 306 वाट लोड दे रही है तो हैवल्स की मिक्सी 406 वाट लोड दे रही है, 100 वाट का लोड में अंतर है। फिलिप्स की मिक्सी के RPM लगभग 16,800 रहे और हैवल्स के लगभग 16,300 के आसपास के RPM रहे। फिलिप्स की मिक्सी का नॉइस लेवल 103 dB रहा, हैवल्स की मिक्सी का नॉइस लेवल 90 dB रहा। क्वालिटी के संबंध में यदि बात की जाए तो हैवल्स की मिक्सी की क्वालिटी में उंगली रखने के लिए कोई जगह नहीं है। फिलिप्स की इस मिक्सी ने मुझे थोड़ा निराश किया और एक मुझे और जो दिक्कत लगी वह भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलिप्स की मिक्सी में जूस के लिए जो जाली होती है और हैवल्स की मिक्सी में जो जाली होती है, हम देख रहे हैं कि इसका साइज बड़ा है, यह जाली बारीक है और यह जाली कुछ मोटी है, तो इस जाली में से निकलने वाला जूस इसकी अपेक्षा अधिक तरल रहेगा और यह जो दूरी है जाली की यहाँ से लेकर यहाँ तक वह भी इसकी अधिक है और इसकी यह दूरी कम है। किसी भी फल का जब हम जूस निकालेंगे तो यह कटर उस फल को या सब्जी को काटने का कार्य करता है और यह घूमकर रस को अलग निकाल देती है और वेस्टेज यहाँ से फिसल कर बाहर निकल जाती है। वही इस जाली में क्या होगा, क्योंकि जाली छोटी है तो जूस भी इस मिक्सी से किसी भी फल का मात्रा में कम निकलेगा। और यदि इन एक दो दिक्कतों को छोड़ दिया जाए तो मिक्सी यह भी बहुत अच्छी है। और इन दोनों में से कौन सा जूसर मिक्सर आपको अच्छा लगा? दोस्तों इनके अलावा यदि किसी और मिक्सी का भी आप लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन दोनों में से यदि कोई भी GMG आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।